तो बिग बॉस के घर से बाहर आते ही अब्दू रोजिक ने तोड़ दिया है बिग बॉस का सबसे बड़ा रूल। जी हाँ, हो सकता है बिग बॉस के घर के अंदर अब अब्दुल रोजिक का वापस आना हो जाएगा मुश्किल। क्या है अपडेट, चलिए जानते हैं। दोस्तों, बिग बॉस सीजन 16 के घर के अंदर अब्दुल रोजिक के लिए उनकी टीम का एक संदेश था बिग बॉस पर कि वो एक गेम बनाना चाहते हैं जिसमें वो अब्दू को लेना चाहते हैं। ये अब्दू के लिए एक लाइफ चेंजिंग हो सकता है। तो क्योंकि इससे पहले अब्दुल रोजिक से पहले वो घर के कई कंटेस्टेंट के लिए मानवीय तौर पर कुछ रूल्स को फॉलो करते हुए उनकी हेल्प कर चुके हैं बिग बॉस। जैसे कि टीना का जब डॉग नहीं रहा था तब भी उन्होंने टीना को बाहर भेजा था। और इसके अलावा अगर हम बात करें सुंबुल तौकीर खान की, तो सुंबुल तौकीर खान के लिए भी उन्होंने मानवीय ग्राउंड पर उसके पापा से बात भी करवाई थी, हालांकि उन्होंने खुद ही इस मामले में गड़बड़ कर दी थी। तो अभी अब्दुल रोजिक की करियर को देखते हुए बिग बॉस ने कहा कि चलिए ठीक है, उसके लिए अगर ये लाइफ चेंजिंग हो सकता है तो चलिए हम उसे घर से बाहर जाने देते हैं। बट अब्दुल रोजिक उस दौरान किसी से मिलेगा जुलेगा नहीं और बिग बॉस के रूल्स का पालन करेगा। वो सिर्फ अपनी टीम से मिलेगा और बिग बॉस से रिलेटेड कुछ भी जानकारी इधर उधर नहीं लेगा, सोशल मीडिया पर नहीं दिखाई देगा। और वो हमारे नियमों का अगर पालन करता है तो इस घर के अंदर दोबारा लौट सकता है, लेकिन अगर वो हमारे नियमों का पालन नहीं करेगा तो हम उसे बिग बॉस के घर के अंदर नहीं लाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर बता दें कि बिग बॉस के घर के अंदर से जब अब्दुल रोजिक बाहर निकले हैं तो सबसे पहले उन्होंने सोशल मीडिया पर इंस्टाग्राम पर वीडियो अपलोड किया है जिसमें वो बहुत चालाक ग्रो करते हुए नजर आ रहे हैं और साजिद को लेकर बात बोलते नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर बिग बॉस का सबसे बड़ा रूल यही है कि किसी से संपर्क नहीं रखना। अर्चना भी जब बाहर गई थी तो किसी से संपर्क में नहीं आई थी, उसे कुछ भी पता नहीं चला था, ना मोबाइल था ना कुछ था। ऐसी टीना दत्ता का भी यही हाल था, लेकिन यहाँ पर अब्दुल रोजिक बाहर आ चुके हैं और सोशल मीडिया पर उनका वीडियो भी अपलोड हुआ है। तो क्या कहेंगे आप इस बारे में, अपनी राय जरूर दें।